हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे मिष्ठान फूड्स के बारे में जिसको काफ़ी लोग होल्ड करते हैं। आप में से काफ़ी लोग मिष्ठान फूड्स को होल्ड करते होंगे और ट्रैक करते होंगे और काफ़ी लोग परेशान हैं कि इतना अच्छा शेयर ऊपर जा रहा था, 14.40 तक गया था और अचानक क्या हो गया कि डायरेक्ट वहाँ से गिरते गिरते अभी आप पहुँचा है 10.80 रुपीज़ पर, जो कि काफ़ी लोग इसमें कारण निराशा में है और परेशान है कि अब क्या करना चाहिए, ये कहाँ पर रिवर्स लेगा, कहाँ तक गिरेगा। फ्रेंड्स, मिष्ठान फूड्स अगर आप देखोगे तो आज भी इसमें लोअर सर्किट लगा था, 10 रुपीज़ 80 पैसे पे क्लोज हुआ है, जबकि इसका 52 वीक हाई है 19 रुपीज़ 60 पैसे, तो करीब करीब हमें हाफ प्राइस में मिल रहा है एज कम्पेयर टू 52 वीक हाई। और अभी अगर आप देखोगे तो 200 DMA के सपोर्ट पर आकर रुका हुआ है, यहाँ से रिवर्स ले सकता था, बट अभी जो मार्केट में क्रैश चल रहा है, कल भी मार्केट आज भी मार्केट डाउन होने की उम्मीद है, तो ये 200 DMA के सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जा सकता है। अगर आप देखोगे मिष्ठान फूड्स लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक है, उसका कारण यह है कि ये कंपनी अभी FMCG सेक्टर में भी आ गई है, चावल तो बनाती है, बासमती राइस का इनका अच्छा ब्रांड है आई लव राइस नाम से, और इन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले जो रॉक होता है सी रॉक वो भी लॉन्च किया है मिष्ठान सॉल्ट के नाम से, तो ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल साउंड है, ग्रोथ प्लान बहुत अच्छा है, इनके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है, ये लोग इथेनॉल बनाने का जो प्लांट है उसका भी काम जोर में चल रहा है, जो कि थर्ड या फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस ईयर से ऑपरेशन में आ जाएगा, तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा शेयर है और अभी रिजनेबल रेट में मिल रहा है। इसका PE 36 का है, EPS 0.31 का है, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.40, प्रोमोटर होल्डिंग है 49, तो सब काफ़ी ठीक ठाक है। इसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है, अभी दिसंबर क्वार्टर में 8 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च क्वार्टर में 13 करोड़ हो गया है, जून क्वार्टर में हो सकता है 15 से 16 करोड़ देखने को मिले प्रॉफिट, तो ओवरऑल कंपनी भाग रही है, साथ में शेयर भी भागना चाहिए, बट मैंने बार बार कहता हूँ कोई भी शेयर लगातार ऊपर जाता नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो मिष्ठान फूड्स दो कारणों से गिर रहा है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग और दूसरी बात मार्केट वीक है। बोनस इशू होने के बाद ये लगातार शेयर ऊपर ऊपर जा रहा था, अभी बहुत अच्छे लेवल पे आने की उम्मीद है, देखिए 11.20 पे आज कल क्लोज हुआ था, आज 10 रुपीज़ 80 पैसे पे जा सकता है और बॉटम टू बॉटम 10 रुपीज़ 20 पैसे से रिवर्स मार सकता है। जो लोग अभी बाय करना चाहते हैं या एवरेजिंग करना चाहते हैं उनको राइट अपॉर्चुनिटी है, मतलब अभी मार्केट गिरेगा तो 10 रुपीज़ 80 पैसे तक जा सकता है, वहाँ से भी गिरता है तो 10 रुपीज़ 20 पैसे तक जाएगा, पर यहाँ से रिवर्स मारने के चांसेस 70-80% है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने बॉटम की तरफ जा रहा है तो यहाँ से कभी भी रिवर्स मार सकता है। मार्केट अगर कल पॉजिटिव रहता तो कल ही बाउंस, आज ही मार्केट बाउंस पॉजिटिव रहता था तो आज ही बाउंस मार देता था, पर आज मार्केट निगेटिव था तो हो सकता है एक लोअर सर्किट और मारे या मैक्स टू मैक्स दो और एक लोअर सर्किट मारे और वहाँ से रिवर्स होना इसका तय है। तो जो लोगों के हाथ से मिष्ठान फूड्स की गाड़ी छूट गई थी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अभी वो बाय करें, क्योंकि अभी उनको मिल जाएगा, फिर से मार्केट पॉजिटिव हुआ तो अपर सर्किट में जा सकता है, बट मेरा आपको रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एक साथ बहुत शेयर्स बाय मत कीजिए, अगर आपको 1000 शेयर्स लेने हैं तो पार्ट्स में बाय कीजिए, 200 से 500 शेयर्स एक बार लीजिए, फिर रुक जाइए, फिर लीजिए, ऐसे एवरेजिंग करके लीजिए, रिवर्स मारेगा तो अच्छी बात है, पर गिरते गया तो आपका एवरेजिंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए, वो हिसाब से आपको बोल रहा हूँ मैं, बट रिवर्स होने का टाइम आ गया है मिष्ठान फूड्स का, तो अभी बाइंग करने का टाइम है, थोड़ा थोड़ा बाय कर रही है, पार्ट्स में बाय कीजिए एवरेजिंग कर, क्योंकि कभी भी मिष्ठान फूड्स का शेयर रिवर्स मार सकता है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, मे बी 10.80 रुपीज़ से या 10.20 रुपीज़ से, उससे नीचे जाने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही है, सब्जेक्ट टू मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रैश होते ही रहा तो उसके नीचे भी जाएगा, बट ये होल्ड अभी इसको बाय करने के लिए थोड़े थोड़े शेयर्स एक्यूमुलेट करते जाइए और होल्ड कीजिए, रिवर्स करेगा तो ये शेयर फिर से शॉर्ट टर्म में आपको 12 रुपीज़ से 14 रुपीज़ का रेट दिखाएगा, और अगर मार्केट रिकवर जब भी होगा तो यही शेयर आपको 20 रुपीज़ से 25 रुपीज़ के लेवल भी दिखाएगा, इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट शेयर टू होल्ड पेनी स्टॉक। बट फ्रेंड्स, मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तो आपका जो प्रॉफिट दिखते रहता है वो फिर से लॉस में बदल जाता है, एक बात ध्यान में रख के कभी भी इन्वेस्ट कीजिए तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन मिष्ठान फूड्स टुमॉरो टुडे आल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स।